हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इंटरसेप्टर 650 को हमने 3000 किलोमीटर चला लिया है, इसमें क्या क्या मेजर प्रॉब्लम आया है, क्या क्या नहीं आया है, ये सब हम बताने जा रहा हूँ आज। ठीक है, पहले गाड़ी को देख लीजिए। 3000 किलोमीटर हमने चला लिया है, चलिए आपको दिखाते हैं हम कितना चला लिया है। किलोमीटर हमने अब तक चलाया है 3 महीने में। इस 3 महीने में हमको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आया है। एक दिक्कत आई थी, हमने पास के गैरेज से बाइक को वॉश किया था, फिर हमने 1 किलोमीटर चलाने के बाद अचानक बाइक बंद हो गया। सोचने लगे क्या हुआ क्या हुआ, फिर बाजू में एक गैरेज था, उसमें दिखाया हमने, भैया देखो क्या हो गया, गाड़ी बंद पड़ गया। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो है ना, इसमें थोड़ी सी हवा डाल दी, इधर भी हवा दिया पंप से और इस साइड भी एक प्लग में भी कुछ कुछ जगह में ऐसे हवा में वॉश किया दिया। हवा मारने के बाद फिर उन्होंने स्टार्ट किया, गाड़ी चालू हो गया। हमने बोला भैया क्या दिक्कत आ गई थी, उन्होंने बोला भैया FI इंजन है, अगर थोड़ी सी भी पानी इसमें प्लग में कहीं में भी रहेगा तो गाड़ी बंद हो जाएगा। बस यही एक प्रॉब्लम आया था और इसका अलावा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। बहुत बढ़िया चल रहा है गाड़ी, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे 2 सर्विस हो गए हैं, एक सर्विस पहले हमने किया था 1000 किलोमीटर पर और दूसरा सर्विस 3000 किलोमीटर पर किया है हमने। पहले सर्विस में हमारा कॉस्ट आया था 2850 रुपीस और सेकंड सर्विस में हमारा कॉस्ट आया था वही 2850 रुपीस। बहुत बढ़िया चल रहा है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे बढ़िया बात, हमने इससे पहले क्लासिक थंडरबर्ड दोनों चलाए थे, इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है ऑसम, ABS प्रॉपरली काम करता है, एकदम प्रॉपर ABS। मैंने RC390 भी चलाया था, मेरे पास था निंजा 650 भी था, उस टाइप की ब्रेकिंग है इसमें। रॉयल एनफील्ड ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत इम्प्रूव किया है अपने ब्रेक पर। और ये देखिए डिस्क कितना बड़ा है, 320 mm का, और पीछे वाला जो है वो है 260 mm का। मतलब जितना बड़ा गाड़ी जितना वजन है उस हिसाब से ब्रेक को बनाया गया है। तो फ्रेंड आज के लिए सिर्फ इतना ही, एक दिन हम आपको जरूर दिखाएंगे कि इसका टॉप स्पीड कितना है। हमने 140 तक भागा है लेकिन टॉप स्पीड नहीं किया है क्योंकि इंजन को थोड़ा खोलना चाहिए। अब इंजन खुल गया है, अब हम आपको दिखाएंगे कि इसका टॉप स्पीड कितना है। अब तक के लिए बाय। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंटरसेप्टर से जुड़ी और कोई वीडियो अगर देखना चाहता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, जय श्री कृष्ण, बाय।